सेक्स के दौरान एक औरत आखिर अपने मन में सोचती क्या है? अरे मैम, क्या बात कर दी आपने, तन बदन में आग लगा दी मेरे। अब इस आग को शांत करो। तो आपकी आग को अब शांत करने का ही काम करने वाली हूं मैं। देखिए, जैसे आपने कभी खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कोई इरोटिक किताब पढ़ रहे हो या कुछ भी ऐसा सेक्सुअल कंटेंट आपकी आंखों के सामने आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में उत्तेजना फैलने लग जाती है, हलचल मच जाती है और आपका मन जो है वो उत्तेजना के सागर में डुबकियां लगाना शुरू कर देता है। सेम इसी तरह से अगर कोई पुरुष कोई सेक्सुअल कंटेंट ऑनलाइन ऑन स्क्रीन देख रहा है तो वो सारी काम क्रिया उसकी इमेजिनेशन में चलनी शुरू हो जाती है। अगर वो लकी है, उसका पार्टनर उसके साथ है, तो वो इमीडिएट उसके साथ शुरू हो जाता है। अदरवाइज इमेजिनेशन में तो सारे एक्ट उसके चल ही रहे होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पुरुष के दिमाग में सेक्स चलता है तो सेक्स ही चलता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो यौन संबंध बनाती है तो उस दौरान उनके दिमाग में सेक्स के अलावा बतेरी ऐसी चीजें होती है जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, वो चल रही होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे महिलाओं की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं, क्योंकि ये जो चीज है कि सेक्स में होते हुए भी वो सेक्स प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होती, दिमाग कहीं और पड़ा रहता है, ऐसा ज्यादातर 30 अबव महिलाओं के साथ ही होता है। और वो क्या सोचती हैं सेक्स करते हुए, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली चीज, महिलाएं अपने शरीर को लेके कितनी ज्यादा कॉन्शियस होती है, अपने फिक्र को लेके कितनी ज्यादा चिंतित रहती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर कोई महिला ये बोलती है कि नहीं जी ऐसे ही ठीक है, लगना चाहिए, हम दो बच्चों की माँ है, तो समझो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि कोई औरत ये चाहती नहीं है कि वो थुलथुल जैसी हो जाए, टुन टुन लगे कि आटे की बोरी हो जाए। तो जब कोई महिला अपने पुरुष साथी के साथ यौन संबंध बनाती है तो उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा पेट निकल गया है, मेरे हाथ कैसे हो गए हैं, सब कुछ लटक गया है। हाँ, ये बात और है कि एक बार फ्लो में आने के बाद और मदमस्त होने के बाद कुछ देर के लिए उसका दिमाग इन चीजों से हट जाता है, लेकिन जैसे ही उसको ऑर्गेज्म मिल जाता है और वो थोड़ा सा शांत होती है, दिमाग में फिर से वही चीज, यार मैं कैसी लग रही हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो बिस्तर पे होकर भी बिस्तर पर नहीं होती, उसका दिमाग जो होता है वो आधे से ज्यादा अपने कुछ एक्स्ट्रा किलो चर्बी पर ही लगा हुआ होता है कि कैसे कम करूं। दूसरी चीज, जहां एक पुरुष एक बार मूड बनने के बाद पूरा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पे लगा देता है, वही महिला के दिमाग में से जहां एक ये सवाल निकला वजन को लेके, तो दूसरा सवाल उसके दिमाग में घर कर लेता है, यार आज तो मैं शेव ही करना भूल गई, पूरी खेती उगी हुई है। अब तीसरी चीज, वो महिलाएं जो ज्यादा झिझक महसूस करती है, फोर प्ले के टाइम पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही जो वेब सीरीज में आपको नजर आती हैं, मैं रियल लाइफ में जो महिलाएं होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो, रियल लाइफ में तो कुछ और ही होता है ना, ऑन स्क्रीन जो दिखाया जाता है वो तो सपने ही होते हैं। रियल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, तो वो महिलाएं जो थोड़ा सा झिझक महसूस करती हैं, एक बार चरम सुख से मिल जाए, ऑर्गेज्म मिल जाए, उसके बाद उसे सारी ये जो यौन प्रक्रिया होती है बोझ लग रही होती है, बस उसे ये हो रहा होता है कि यार कब हटेगा और कब हटेगा, ये अपनी स्पीड कम क्यों नहीं कर देता। क्योंकि उसे ऑर्गेज्म मिल चुका होता है, उसे संतुष्टि मिल चुकी होती है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, तब बस वो यही सोचती है कि यार ये जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, भले वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अंदर वो यही सोच रही होती है कि यार खत्म करे, जल्दी करे, बस स्पीड थोड़ी कम कर दे, थक गई मैं। ये होता है, सबकी नहीं कह रही, सारी बातें किसी एक के साथ नहीं है, कुछ के साथ कुछ मैच करेगा, कुछ के साथ कुछ मैच करेगा। तो हर कोई अपने ऊपर सारी बातों को ना लेकर जाए कि मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ। अब वो महिलाएं जो कि वर्किंग होती हैं, उनके दिमाग में सबसे ज्यादा चीज यही चलती है सेक्स करते हुए कि यार मैं कल ऑफिस क्या पहनकर जाऊं, वो सारा हिसाब किताब, ये ड्रेस, ये कलर उसी वक्त ही लगा लेती है कि हाँ मुझे क्या पहन के जाना है। और वो महिलाएं जो कि हाउसवाइफ होती हैं, यार कपड़े भीगे थे धोना भूल गई, आज पानी चला गया था, कल सुबह उठते कपड़े धोऊंगी सबसे पहले, बच्चों को स्कूल में क्या लेकर भेजू टिफिन में, आलू के पराठे तो कल भी भेजे थे। अब वो महिलाएं जिन्हें लोअर अब्डोमेन में पेन रहता है, दर्द की शिकायत होती है, उन्हें सेक्सुअल एक्ट करते हुए बस यही चलता है दिमाग में कि यार बस जल्दी खत्म हो, मेरी जान छूटे, दर्द में किसको मजा आता है, अरे हो गए तुम, हो गए ना, बस अब छोड़ो, उनके दिमाग में ये चीज चलती है। एक्चुअली वो परेशान भी तो है ना,
उनके लिए क्या कह सकते हैं, अगर उसको पेन होगा तो मजा कहाँ आएगा। अब वो महिलाएं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तर होते हुए काल्पनिक संभोग में चली जाती हैं, मतलब होती हुई भी उनके साथ नहीं होती, दिमाग और मन सारा अपने बॉयफ्रेंड में लगा हुआ होता है। और ये चीज देखो महिलाओं के साथ ही नहीं, उन पुरुषों के साथ भी होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जी रहे होते हैं। उनके दिमाग में यौन संबंध बनाते हुए अपने रियल पार्टनर के साथ यही चल रहा होता है कि यार गलती से भी मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड का नाम मेरे मुंह से ना निकल जाए, तलवार से लटकी रहती है उनकी गर्दन पे कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अब देखो कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो सेक्स को भरपूर जीना जानती हैं, जो थोड़ी सी सेक्सी होती हैं, सेडक्टिव होती हैं, तो उनका जो होता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा होती है, वो सेक्स करते हुए सेक्स का ही मजा लेती है और सेक्स को ही इंजॉय करना चाहती है। उनकी इमेजिनेशन में ना बच्चे चलते हैं, ना अपना ऑफिस चलता है, ना घर परिवार चलता है, जब वो सेक्स करती है तो वो सेक्स ही करती है। तो ऐसे में उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, लेकिन ऐसी औरतों को जो मर्द होते हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसी औरतों की कंपैटिबिलिटी अपने पुरुषों के साथ मैच नहीं कर पाती, यह अक्सर देखा जाता है। सबकी बात नहीं कर रही, वो बहुत लकी होते हैं जो एक दूसरे को कंपैटिबल मिल जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में अगर किसी महिला की यौन इच्छा ज्यादा है तो उसके हस्बैंड की यौन इच्छा कमी होती है। उस औरत के दिमाग में बस यही चलता है कि यार फोर प्ले इतनी जल्दी खत्म कर दिया, थोड़ा सा और होना चाहिए था, यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, उसको दो तीन बार में मजा ही नहीं आता। वो चाहती भी है कि मुझे कसके पकड़े, मुझे कसके दबाए, मुझे ऐसे भींचे, मुझे ये करे, मुझे वो करे, बोलूं कैसे, समझता क्यों नहीं। अब मैं आपको एक ये रियल फैक्ट बता रही हूं, मैक्सिमम फीमेल यही चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे बोलना ना पड़े, वैसे ही समझ जाए कि मैं क्या चाहती हूं। अगर उनका हस्बैंड कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट उनके साथ करता है, उनके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, तो उन फीमेल को बहुत अच्छा लगता है जो सेक्स को एंजॉय करती हैं, जो इस तरह की होती हैं, सेक्सी होती हैं। वहीं कुछ ऐसी भी फीमेल होती है कि अगर उनके साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हुआ जाए तो उनके अंदर शक का कीड़ा पैदा हो जाता है, मतलब कुछ शक्की टाइप फीमेल भी होती हैं जो ये सोचती हैं कि यार इसे कैसे पता, लगता है कोई पॉर्न देखी होगी या फिर किसी के साथ किया होगा, ऐसे क्या वैसे क्या, आपने कुछ भी ऐसा नया ट्राई किया, कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं किया, तो वो खुश होने की बजाय आपके ऊपर शक करना शुरू कर देगी। तो ऐसी भी फीमेल होती हैं, हर तरह की हैं, तो हर तरह की इमेजिनेशन सेक्स के दौरान उनके दिमाग में चलती है। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि सेक्स के दौरान कोई महिला क्या सोचती है। होप्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और एक चीज और, ये जो मैं वर्कआउट वीडियोस, अपने डांस वीडियो जो मैं इस चैनल पे रिया मल्होत्रा चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, वो मैं इस चैनल पे अपलोड ना करके लाइफस्टाइल चैनल लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली उस पर अपलोड किया करूंगी, क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली इस चैनल का जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया है। वहां पे अब सेक्सुअल कंटेंट नहीं अपलोड होंगे, सिर्फ मेरी वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो ही वहां पे अपलोड होंगी। और हाँ, एक चीज और मैं भूल ना जाऊं, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल जिसमें मैंने एक कपल की हनीमून स्टोरी आपसे शेयर की थी और उसके एक्सपीरियंसेस आपको बताए थे, तो एक मैंने नई सीरीज निकाली है कि अगर किसी को भी अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई लाइफ का एक्सपीरियंस, चाहे वो हनीमून से रिलेटेड हो या उसकी की लाइफ की कोई ऐसी इंसिडेंट हो, कोई ऐसा घटना हो जो वो शेयर करना चाहता हो और वो चाहता हो कि वो लोगों तक पहुंचे, तो वो मुझे शेयर कर सकता है मेरे इंस्टा अकाउंट पे। मैं उसकी एक स्टोरी बना के कि किस तरह से वो चीजें हुई वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि वो जो स्टोरी हो वो रियल हो, कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो, ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं चाहिए, रियल स्टोरी चाहिए जिससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। राइट, थैंक यू सो मच।